मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल रेलवे स्टेशन पर आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जहां 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म को जोड़ने वाला फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा गिर गया, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। घटना के बाद स्टेशन पर भगदड़ की स्थिति बन गई। घटनास्थल पर पहुंचकर रेलवे अधिकारियों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इस वक्त भोपाल से हमारे साथ संवाददाता संदीप पाठक जुड़े हैं। नमस्कार, इस वक्त भोपाल से हमारे साथ संवाददाता संदीप पाठक जुड़े हैं। तो संदीप जी, बताइए कि हादसा कब और कहां हुआ? परिधि जी, आज आपको बताना चाहूंगा, आज सुबह की बात है। भोपाल मेन स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश का मुख्य बिंदु है, 2 नंबर 3 नंबर प्लेटफॉर्म के बीच फुट ओवर ब्रिज, जिसमें कि यात्रियों की भारी आवाजाही थी, अचानक ही नीचे गिर पड़ा, जिससे कि 2 यात्रियों की मृत्यु हुई और लगभग 16 से 20 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की आशंका है। तो ये जो ब्रिज गिरा है संदीप जी, तो इससे कितनी जनहानि होने की संभावना है? निश्चित रूप से रेलवे के कर्मठ अधिकारियों से बात करने पे संबंधित डीआरएम, एडीआरएम और स्टेशन प्रबंधक के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि घायलों को तुरंत ही नजदीकी हमीदिया हॉस्पिटल और निषादपुरा के वहां पे पहुंचा दिया गया है। और नीचे स्थित वेंडरों के द्वारा विगत कई वर्षों से शिकायत की जा रही थी कि ये पुल साफ गिर सकता है, 50 साल से अधिक पुराना पुल था। तो अभी तक इस पुल पे कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी, क्या वजह रही? संबंधितों को प्राइमरी फेशिया को देखते हुए हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। अब जांच गठित करके एक जांच आयोग की मांग की जा रही है। अच्छा, तो अभी इस वक्त वहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है संदीप जी, बताएंगे आप? काफी आवाजाही, आवागमन में अव्यवस्थाएं हो रही है, जिसको देखते हुए कि रेलवे के कर्मठ अधिकारी, कुली स्टाफ इसमें काफी सपोर्टर है, वेंडरों ने सपोर्ट किया हुआ है और आवागमन काफी प्रभावित हो रहा है। अधिक लोग रोष में है और पब्लिक के अंदर भारी तेज है। तो इस संबंध में रेलवे अधिकारियों का क्या कहना है? संबंधितों को मुआवजा दिया जाएगा और एक जांच गठित करके यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उक्त पे बिल्कुल ही कार्रवाई की जाएगी। चलिए संदीप जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। धन्यवाद परिधि।